वेलकम टू द्रोणाचार्य आई एस यूट्यूब चैनल दिस इज़ आवर डेली न्यूज़ पेपर वीडियो आज है फिफ्टींथ नवम्बर और हम आज के द हिंदू न्यूज़ पेपर के मस्ट रीड न्यूज आर्टिकल्स इस वीडियो में ब्रीफली डिस्कस करेंगे वेल ये न्यूज़ आर्टिकल्स हमारे यूपीएससी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं सो लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो हमारा आज का पहला न्यूज़ आर्टिकल इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वेल द हेडलाइंस आर होल सेल प्राइस रिमेन इन डिफ्लेशन जोन इन अक्टूबर तो बेसिकली हमारे पास इंडिया का होल सेल प्राइस इंडेक्स जो है वो रिलीज़ किया गया है एंड अक्टूबर मंथ में जो होल सेल प्राइस इंडेक्स है वो डिफ्लेशन का ट्रेंड शो करता है तो देखिए यहाँ से हमें दो बातों का ख्याल रखना है नंबर वन हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ होल सेल प्राइस इंडेक्स डब्ल्यू होता कौन है कौन रिलीज़ करता है एंड क्या वेटेज रहती है डब्ल्यू uh, के अंदर कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड की जाती हैं एंड जब भी हम इकोनॉमी का होल प्राइस इंडेक्स देखते हैं तो वो क्या रिफ्लेक्ट करता है तो ए हमें द होल सेल प्राइस इंडेक्स जो है डब्ल्यू के बारे में जो बेसिक्स हैं वो क्लियर होने चाहिए सेकेंडली क्योंकि अक्टूबर मंथ में डिफ्लेशन का ट्रेंड शो हुआ है सो वी शुड बी वेरी क्लियर दैट वॉट इज डिफ्लेशन हम जिस तरह इन्फ्लेशन की बात करते हैं अक्टूबर मंथ में डिफ्लेशन का ट्रेंड आया है तो यहाँ से हमें डिफ्लेशन के कॉजेज क्या इफेक्ट होता है डिफ्लेशन का ये क्लियर होना चाहिए एंड ऑल्सो दैट वॉट इज द डिफ़रेंस बिटवीन डिस इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन तो ये कुछ बेसिक बातें इकोनॉमी की हम इस न्यूज़ आर्टिकल की मदद से डिस्कस करेंगे ना सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं होल सेल प्राइस इंडेक्स डब्ल्यू के बारे में ना जैसे कि नाम बता रहा है होल सेल प्राइस तो यहाँ पे बिजनेसेस जो बल्क के अंदर होल सेल में आपस में जो गुड्स सोल्ड करते हैं गुड्स का ट्रेड करते हैं उनके प्राइसेस में जो चेंज आता है होल सेल लेवल पे उसे रिफ्लेक्ट किया जाता है इन दी डब्ल्यू इट is published बाय द ऑफिस ऑफ Economic एडवाइजर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ Commerce एंड इंडस्ट्री ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन आपको PT टी में मिल जाता है इसलिए ध्यान रखेंगे कि ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री डब्ल्यू पी आई को रिलीज करते हैं नाउ इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए डब्ल्यू पी आई को यूज़ किया जाता है इट इज़ वन ऑफ द वाइडली यूज इंडिकेटर लेकिन इसका एक बड़ा क्रिटिसिजम ये है कि क्योंकि यहाँ पे होल सेल प्राइस के चेंजेस को रिफ्लेक्ट किया जाता है लेकिन जो जनरल पब्लिक है वो होल सेल पे पर सामान नहीं ख़रीदती हम तो रिटेल पे ख़रीदते हैं हम तो कंज्यूमर प्राइस पे ख़रीदते हैं तो इसीलिए जो चेंजेस हमारे पास यहाँ पे रिफ़्लेक्ट होते हैं डब्ल्यू पी आई जो चेंजेस शो करता है उससे जो बिजनेसिस हैं उनके ऊपर असर होता है ना कि जनरल पब्लिक के ऊपर तो इसीलिए हमारे पास जनरल पब्लिक के लिए आ जाता है सी पी आई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और जो बिजनेसिस हैं होल सेलर्स हैं इनके लिए आ जाता है डब्ल्यू पी आई राइट एंड यहाँ पे हमारा जो बेस ईयर था डब्ल्यू पी आई का पहले टू थाउजेंड फोर एंड फाइव था इसे रिवाइज़ किया गया टू टू थाउजेंड इलेवन एंड ट्वेल्व तो करंटली हमारे पास टू थाउजेंड इलेवन एंड ट्वेल्व इज़ द बेस ईयर फॉर डब्ल्यू पी आई दूसरी चीज़ आपने ये भी इम्पॉर्टेंट याद रखनी है कि जब हम होल सेल प्राइस इंडेक्स की बात करते हैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गुड्स की बात होती है सर्विसेज यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है यहीं अगर हम डब्ल्यू इंडेक्स की मेजर वेटेज देखें तो हम यहाँ पे तीन कैटेगरीज के अंदर कमोडिटीज़ को डिवाइड करते हैं एक तो है प्राइमरी आर्टिकल्स दूसरा है फ्यूल एंड पावर और थर्ड है मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स ठीक है सबसे पहले प्राइमरी आर्टिकल्स अगर हम देखें तो इसमें भी हमारे पास कुछ फूड आर्टिकल्स आ जाते हैं जिसमें सीरियल्स, पेडी वीट आपकी पल्सेज आ जाएंगी वेजिटेबल मिल्क मीट फिश तो सब मेजर फूड आइटम्स इंक्लूड हो जाती हैं नॉन फूड आर्टिकल जैसे कि ऑयल सीड मिनरल्स क्रूड पेट्रोलियम ये सब भी हमारे पास प्राइमरी आर्टिकल्स बनाते हैं जिसका वेटेज 22.6 परसेंट के आसपास रहता है सेकेंड कैटेगरी आती है फ्यूल एंड पावर तो एज द नेम सजेस्ट इसमें एल पेट्रोल आपका डीजल इसके प्राइसेस फ्यूल एंड पावर में आ जाएंगे थर्ड कैटेगरी है मैनुफैक्चर प्रोडक्ट्स वेल इसके अंदर कुछ होते हैं मैनुफैक्चर फूड प्रोडक्ट्स जैसे कि वेजिटेबल एंड एनिमल ऑयल फैट कुछ होते हैं मैनुफैक्चरिंग ऑफ बेवरेजेस जैसे कि टोबैको प्रोडक्ट्स वेयरिंग एपरल्स फार्मास्यूटिकल यू नो मेडिकल एंड केमिकल बोटैनिकल प्रोडक्ट्स ये सब आपके मैनुफेक्चर प्रोडक्ट्स में आ जाते हैं तो ये तीन कैटेगरी आती है डब्ल्यू पी आई की डब्ल्यू पी आई से ही फूड इंडेक्स डिराइव होता है तो देखो आपके जो प्राइमरी आर्टिकल्स हैं वहाँ से आप फूड आर्टिकल्स को देख लीजिए फिर जो आपके मैन्युफैक्चर्ड जो कैटेगरी है इसमें से फूड प्रोडक्ट्स देख लीजिए तो इनको मिलाकर इन दोनों कैटेगरी को मिलाकर फूड इंडेक्स भी जो है वो डब्ल्यू से ही हमारे पास जनरेट होता है तो जो बात हमने पहले की कि डब्ल्यू को अगर हम देखते हैं तो प्रोड्यूसर लेवल पे है ना वहाँ पे होलसेल लेवल पे किस लेवल की इन्फ्लेशन चल रही है उसे ट्रैक करता है डब्ल्यू लेकिन कंज्यूमर लेवल पे प्राइसेस का चेंज कैसे हो रहा है उसके लिए हमारे पास आ जाता है सी ठीक है डब्ल्यू के अंदर जो ज़्यादा वेटेज है वो मैनुफेक्चर गुड्स को दी जाती है वेराइज जो हमारा सी इंडेक्स है इसके अंदर फूड आइटम्स को ज़्यादा वेटेज दी जाती है नाउ मूविंग अहेड अब बात करते हैं डिफ्लेशन की क्योंकि हमारा न्यूज़ आर्टिकल तो यही कह रहा है कि अक्टूबर मंथ में जो हमारा डब्ल्यू पी आई आया है इट इज़ शोइंग डिफ्लेशन ट्रेंड तो डिफ्लेशन क्या है देखो डिफ्लेशन इन्फ्लेशन का बिल्कुल उल्टा है महंगाई का उल्टा है डिफ्लेशन इन्फ्लेशन क्या होता है जब प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं डिफ्लेशन होता है जब हमारी कमोडिटीज़ के प्राइस डिक्रीज हो जाते हैं इसे कहा जाता है डिफ्लेशन अब हमें लग सकता है कि अरे भाई ये तो बहुत बेनिफिशियल है कि प्राइसेस कम हो गए हैं डिफ्लेशन हो गया नहीं ऐसा नहीं है इकोनॉमी के लिए डिफ्लेशन अच्छा नहीं होता डिफ्लेशन इकोनॉमिक स्लो डाउन के साथ लिंक्ड होता है अगर कोई इकोनॉमी डिफ्लेशन शो करती है इसका मतलब है कि जो प्रोडक्टिविटी है इकोनॉमी की वो डिक्रीज हो रही है इससे न्यू जॉब्स जनरेट नहीं होंगी रादर जॉब्स जो है वो लूज़ होंगी इन्फ्लेशन हालांकि मनी की जो वैल्यू है उसे लोअर करता है डिफ्लेशन से रेज होता है बट इससे होगा क्या जब डिफ्लेशन होता है इससे वो कंज्यूमर को इनक्रेज करता है कि आप पैसों को खर्च मत कीजिए यू शुड सेव मनी तो इंस्टेड कि वो कोई नया प्रोडक्ट खरीदते कोई डिमांड क्रिएट करते नाउ दे आर नॉट स्पेंडिंग मनी दे आर सेविंग द मनी जिससे जो इकोनॉमिक बिहेवियर है वो स्लो डाउन का आना शुरू हो जाता है यहाँ से एक डिफ्लेशनरी स्पायरल जो है वो इकोनॉमी में क्रिएट हो जाता है वो कैसे देखो सबसे पहले आपके गुड्स एंड सर्विसेज के जो प्राइसेज हैं वो डिक्रीज हो गए तो इससे क्या होगा कि जो बिजनेसेज हैं उनकी इनकम डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि देखो प्राइसेस कम हो गए तो बिजनेसेस का प्रॉफिट कम होगा इनकम कम हो जाएगी अच्छा अब जब इनकम कम हो रही है बिजनेस की सो दे विल रिड्यूस देअर कॉस्ट एंड इन्वेस्टमेंट अब जब हमारे पास इकोनॉमी में प्रोडक्शन डिक्रीज हो गई है तो क्या होगा जो वर्कर्स हैं या तो उन्हें बहुत कम वेजेस मिलेंगी या फिर उनको ले ऑफ़ करना शुरू कर दिया जाएगा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी अच्छा अब जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी तो इससे क्या होगा कि जो हमारी परचेजिंग पावर है वो रिड्यूस हो जाएगी जो डिमांड है इकॉनॉमी में वो डिक्रीज़ हो जाएगी बिकॉज पीपल हैव नो मनी टू स्पेंड तो जिससे क्या होगा जो सप्लाई है वो ज़्यादा है लेकिन डिमांड नहीं है तो इससे जो प्राइसेस हैं वो और डिक्रीज होंगे तो ये साइकिल इसी तरह रिपीट होता रहता है इसे बोलते हैं डिफ्लेशनरी स्पायरल तो आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हो कि जो डिफ्लेशन है वो इकॉनॉमी के ऊपर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है ठीक है अब एक और टर्म आप इकोनॉमी में पढ़ते हो डिसफ्लेशन डिस इन्फ्लेशन क्या होता है जब इन्फ्लेशन का रेट जब डिक्रीज होता है उसे कहा जाता है डिसनफ्लेशन मतलब प्राइस लेवल बढ़ रहे हैं महंगाई है लेकिन जो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्राइसेस है वो कम हुआ है तो उसे बोलते हैं डिसइनफ्लेशन ये एक पॉजिटिव इंडिकेटर होता है ठीक है स्पेशली कैपिटल मार्केट और आपके जो बॉन्ड मार्केट्स हैं वहाँ पे इसे पॉजिटिव इंडिकेटर मान के चला जाता है फॉर इकॉनॉमी कि यस महंगाई है प्राइसेस बढ़ रहे हैं लेकिन जो रेट है इंक्रीज ऑफ प्राइसेस का वो थोड़ा कम हुआ है दैट इज डिसलेशन लेकिन हमारी इकोनॉमी क्या शो कर रही है अक्टूबर मंथ में डिफ्लेशन मूविंग अहेड हैड नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल इज रिलेटेड टू स्पेन एंड कैटालोनिया नो देख हमें इस पर्टिकुलर आर्टिकल की फाइन डिटेल्स में नहीं जाना वी नीड टू नो द जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ कैटेलोनिया हमें एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए दैट व्हाट इज द इशू विद स्पेन एंड कैटेलोनिया और एग्जैक्टली लोकेशन कहाँ है तो जियोग्राफिकल लोकेशन हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है नौ सबसे पहले जिस लैंड पे स्पेन और पोर्तुगल प्रेजेंट हैं इसे कहा जाता है आइबेरियन पेनसुला आप जोग्राफी में इसके बारे में पढ़ते हैं पेनिनसुला कोई भी कैसा लैंड जिसके तीन तरफ पे वाटर हो ऐसे लैंड को कहा जाता है पेनिनसुला तो सिमिलरली हमारे यूरोप के बिल्कुल जो साउथ वेस्टर्न एरिया है ये जो लैंड मास है ये भी एक पेनिनसुला है इसके भी तीन साइड पे वाटर है एक तरफ आप देख सकते हैं देर इज मेडिट्रेनियन सी ऑन दी अदर हैंड वी हैव एटलांटिक ओशन एंड नॉर्थ में आ जाता है बे ऑफ बिस्के तो आइबेरियन पेनंसुला में क्लियरली हमें यहाँ पे दो बड़े कंट्रीज दिखते हैं एक तो है पोर्तुगल एंड अदर वन इज स्पेन न हमें यहाँ पे फोकस करना है स्पेन पे स्पेन का जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है दिस पर्टिकुलर रीजन दिस इज कैटेगराइज दिस इज कॉल्ड एज कैटलोनिया ओके एंड ये एक सेमी ऑटोनॉमस रीजन है इस आइबेरियन पेनंसुला का नॉर्थ ईस्टर्न स्पेन में इस सेमी ऑटोनॉमस रीजन को कहा जाता है कैटेलोनिया

इसके लिए इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस भी है क्योंकि ये स्पेन का इंडस्ट्रियल हार्ट लैंड है ठीक है मतलब सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल्स की इंडस्ट्रीज़ यू नो मेरी टाइम पावर फाइनेंस सर्विस हाई टेक कंपनीज सब इस कैटलन रीजन में है और यहाँ पे अब जो इंडिपेंडेंस की जो डिमांड थी वो यहाँ पे रेज होनी शुरू हुई अद टू थाउजेंड में रेफरेंडम भी यहाँ पे हुआ था जिसमें 90 परसेंट ऑफ़ द कैटलोनियन दे वोटेड फॉर इंडिपेंडेंस लेकिन जो वोटर टर्न आउट था वो सिर्फ 43 परसेंट था ठीक है तो आ, ये सारा इशू यहाँ पे चल रहा है जिससे रिलेटेड एक आर्टिकल भी, भी अभी आया है कि स्पेन की एक सोशलिस्ट गवर्नमेंट दे वॉन्ट टू यू नो स्ट्राइक अ डील विद अ सेपरेटिस्ट पार्टी ऑफ कैटलोनिया तो हमारे लिए ये डील उतनी पर से इंपॉर्टेंट नहीं है ये लोकेशन और एक हल्का आइडिया आपको होना चाहिए ऑफ स्पेन एंड कैटेलोर्निया मूविंग ए हेड आर नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल इज अबाउट क्रिटिकल मिनरल्स ऑफ इंडिया वेल हेडलाइन तो यही है कि सेंटर ने 20 क्रिटिकल मिनरल्स के लिए जो बिड्स है उन्हें इनवाइट किया है लेकिन यहाँ से बेसिक इंपॉर्टेंट हो जाता है दैट वॉट आर क्रिटिकल मिनरल्स ये हमारे जी एस पेपर वन परस्पेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है बिकॉज वहाँ पे मिनरल और एनर्जी रिसोर्सेज एक डायरेक्ट टॉपिक आपको मिल जाएगा देखिए आप जोग्राफी जब पढ़ते हैं यू रीड अबाउट मिनरल्स यू नो कि हमारे अर्थ में जितने भी जियोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं uh, इन सब के एंड पे यू you नो know, कुछ नेचुरल सब्सटांसेज बनते हैं कुछ मिनरल्स बनते हैं जिनकी एक डेफ़ीनेटिव केमिकल कॉम्पोजिशन होती है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं कुछ मेटालिक है, मिनरल्स होते हैं कुछ नॉन मेटालिक मिनरल्स होते हैं मेटालिक वो जिनके अंदर मेटल कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि आयरन कॉपर गोल्ड सिल्वर ये मेटालिक मिनरल्स होते हैं कुछ हमारे पास नॉन मेटालिक मिनरल्स होते हैं जिनके अंदर मेटल कंटेंट जो है वो प्रेजेंट नहीं होता जैसे कि लाइमस्टोन, कोल माइका जिप्सम ये सब नॉन मेटालिक मिनरल्स होते हैं लेकिन यहाँ पे इस पर्टिकुलर न्यूज़ आर्टिकल में क्रिटिकल मिनरल्स की बात हुई है क्रिटिकल मिनरल्स बेसिकली वो मिनरल्स हैं विच आर वेरी असेंशियल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड नेशनल सिक्योरिटी जो कि हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट और नेशनल सिक्योरिटी के लिए जो मिनरल्स इंपॉर्टेंट हैं जिनकी अवेलेबिलिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यू you नो know, उन मिनरल्स को हम क्रिटिकल मिनरल्स का यू नो टैग देते हैं दे हैव इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इंडिया ने कुछ थर्टी क्रिटिकल मिनरल्स जो है वो आइडेंटिफाई किए हुए हैं वी हैव अ लॉन्ग लिस्ट जिसके अंदर आपका यू नो कॉपर पोटाश लिथियम रेयर अर्थ एलिमेंट सिलिकन, कैडमियम विनेडियम अ ह्यूज लिस्ट ऑफ थर्टी मिनरल्स जिनको हम क्रिटिकल मिनरल्स नो के तौर पर हमने डेजिग्नेट किया हुआ है And these minerals are very important for economic development. Your high-tech electronics, hai, telecommunications, hai, transport, defense—they heavily rely on these minerals. ठीक है और स्पेशली ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ को क्रिएट करने में इन क्रिटिकल मिनरल्स का बहुत ज़्यादा यू नो कंट्रीब्यूशन है और पोटेंशियल है तो जिसकी वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत सिग्निफिकेंट है सिमिलरली नेशनल सिक्योरिटी के लिए आपके डिफेंस एयर स्पेस न्यूक्लियर स्पेस एप्लीकेशन इन सब के अंदर ये मिनरल्स जो हैं वो यूज़ होते हैं प्लस बिकॉज नाउ वी वॉन्ट टू ट्रांजिशन टूवर्ड्स क्लीन एनर्जी वी वॉन्ट टू मूव टूवर्ड्स लो कार्बन इकोनमी तो ऐसे केस में ये जो कुछ मिनरल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं तो इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी को बढ़ाने के लिए भी इन मिनरल्स का इंपॉर्टेंट रोल है प्लस इंटरनेशनल कोऑपरेशन तो है ही जितने हमारे पास अलग अलग तरह के क्रिटिकल मिनरल्स होंगे वो इंडिया को हेल्प करेंगे डाइवर्सिफाई करने में अपने इंपोर्ट सोर्सेज को इट विल रिड्यूस आर डिपेंडेंसी ऑन चाइना इट विल एनहैंस आर मिनरल सिक्योरिटी एंड रिजिलियंस राइट तो थर्टी हमारे पास क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक्स हैं जिसमें से ट्वेंटी क्रिटिकल मिनरल्स के लिए जो बिड्स हैं उनको इन्वाइट किया गया है मूविंग ए हेड हमारा अगला न्यूज़ आर्टिकल राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के बारे में है रिसेंटली uh, गवर्नमेंट ने ये कुछ न्यू सेट ऑफ नेशनल अवार्ड्स जो हैं वो अनाउंस किए हैं जो कि साइंस एंड टेक इनोवेशन की फील्ड में ये नेशनल अवार्ड्स दिए जाएंगे इनको इनका नाम है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार देखो इन अवार्ड्स का मेन एम है कि ऐसे साइंटिस्ट ऐसे टेक्नोलॉजिस्ट इनोवेटर्स उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन्स को रिकोगनाइज़ करना उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन्स को सेलिब्रेट करने के लिए ये नेशनल अवार्ड्स जो हैं पर्टिकुलरली साइंस एंड टेक की फील्ड के अंदर अनाउंस किए जाएंगे एंड um, इसमें बेसिकली विज्ञान रत्न अवार्ड दिया जाएगा इट इज़ ऑफ अ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ऐसे पर्सन के लिए जिन्होंने अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस की हैं इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक तो उनको विज्ञान रत्न दिया जाएगा देन देर इज़ ऑल्सो विज्ञान श्री अवार्ड जिसके अंदर यू नो डिस्टिंग्विश्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस अगर किसी ने की है इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक तो उनके एक्नॉलेज करने के लिए विज्ञान श्री अवार्ड मिलेगा देन देर विल भी विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड जिसमें यंग साइंटिस्ट अप टिल दी एज ऑफ 45 फाइव ईयर्स जिन्होंने कोई एक्सेप्शनल कॉन्ट्रीब्यूशन किया है साइंस एंड टेक में उनको इंकरेज करने के लिए ये विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड दिया जाएगा देन विज्ञान टीम अवार्ड दिया जाएगा कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें थ्री तीन या तीन से ज़्यादा साइंटिस्ट ने मिलकर काम किया है उनकी कंट्रीब्यूशन को यू नो रिकगनाइज करने के लिए टीम अवार्ड भी यहाँ पे दिया जाएगा तो ये एक आइडिया आपको होना चाहिए कि ये कुछ न्यू सेट ऑफ नेशनल अवार्ड्स साइंस एंड टेक और इनोवेशन की फील्ड में दिए जाएंगे विज्ञान रत्न विज्ञान श्री विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड एंड विज्ञान टीम अवार्ड मूविंग यह है हमारा अगला न्यूज़ आर्टिकल इन्वायरमेंट परस्पेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है सो यूनाइटेड नेशंस हैज़ वॉन्ड दैट वर्ल्ड माइट बी फेलिंग टू गेट अ ग्रिप ऑन क्लाइमेट चेंज तो करंटली सभी कंट्रीज की जो प्लेजेस रहे थे जिसमें एवरी कंट्री नो हैड सम टारगेट्स कि वो अपने ग्रीन हाउस अमिशंस को रिड्यूस करने वाले हैं उसकी अगर असेसमेंट की जाए सो ओनली अ माइनर प्रोग्रेस हैज़ बीन मेड एंड यूनाइटेड नेशंस ने अपनी इस रिपोर्ट के अंदर इस चीज़ को हाईलाइट किया है कि वो सभी एक्शंस पूरी तरीके से नहीं लिए गए हैं जिससे कि ग्रीन हाउस गैस की अमिशंस को बड़े स्तर पर रोका जा सके क्लाइमेट चेंज हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग हम देख रहे हैं साथ ही में इट इज़ मोर लाइकली कि 2023 जो है वो अब तक का वार्मेस्ट ईयर जो है वो डिक्लेयर किया जा सकता है सो so, अभी सी ओ पी ट्वेंटी एट यू एन एफ ट्रिपल सी की जो होगी उस पर निगाह बनाए रखेंगे हम विल सी कि क्या कोई बड़ा डेवलपमेंट सी ओ पी ट्वेंटी एट से आता है या नहीं तो उससे पहले यूनाइटेड नेशंस ने ये स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स दी हैं जिसमें वो बोल रहे हैं दैट वर्ल्ड इज फीलिंग यू नो टू हैव अ ग्रिप ऑन क्लाइमेट चेंज सो दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वन थैंक यू